दोस्तों नमस्कार। आज ऑफिस जाते जाते एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो हर छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही गहराई से उनको उनका चिंतन किया करता था और लंबे समय तक उनको पकड़ के बैठा रहता था, और उस वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा भी रहता था, परिवार में भी वो परेशान रहता था, बच्चों से थोड़ा किलस मतलब नाराज रहा करता था। तो हर छोटी छोटी परेशानी को वो मतलब लंबे समय तक उन पे सोचता रहता था। अब एक बार क्या हुआ कि उसके गुरुजी, वो अपने गुरुजी के पास गया कि गुरुजी मैं जो है इस तरीके से मतलब क्या समाधान है, मुझसे कोई भी चीज़ भूली नहीं जाती है और कोई भी मुझे कुछ कह देता है, मुझे कोई भी परेशानी होती है तो मैं उस पे लंबा समय तक चिंतन करता हूँ। तो उसी गुरु ने कहा कि बेटा ये बता कि तू ऐसा क्यों करता है। कहता है मेरे हाथ में नहीं है, मैं क्या करूँ। कहते थे सब कुछ हमारे हाथ में होता है। तो उसके गुरु ने कहा, एक उसको गिलास का पानी, एक पानी दिया, गिलास में पानी दिया, कहता है कि ये ले, तू इसको कितनी देर तक लेके खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा गुरुजी जब तक आप कहोगे तब तक खड़ा रहूँगा, ये तो बहुत हल्की चीज़ है। कहते ठीक है खड़ा हो, मैं देखता हूँ तू कब तक खड़ा रहेगा। वो व्यक्ति गुरुजी के सामने उस एक गिलास पानी को लेकर के खड़ा रहा। आधे घंटे एक घंटे बाद उस व्यक्ति को थोड़ी परेशानी हुई, और दो घंटे बाद उसको उसकी परेशानी उसके चेहरे से झलकने लगी, दिखने लगी कि अब ये परेशान हो चुका है। आधा दिन बीतने के बाद वो व्यक्ति परेशान होकर गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये तो बहुत ही भारी वस्तु है। गुरु ने कहा भाई अभी तो तू कह रहा था ये बहुत ही आसान काम है, मैं इसे जब तक आप कहोगे तब तक लेके खड़ा रहूँगा, लेकिन अब तू ये कह रहा है बेटा कि ये तो बहुत भारी चीज़ है, मुश्किल काम है। कहते हाँ गुरुजी वो ठीक है, पर ये इतने लंबे समय तक मैं इसको लेके खड़ा रहूँगा, मुझे तो बहुत दिक्कत हो रही है। अब गुरु ने कहा कि देखा बेटा इसी में तेरी समस्या का समाधान है, जो तू हर छोटी छोटी चीज़ों को अपने पास संजोग के बैठता है, उसको लेकर के बैठता है तो वो तुझे भारी लगने लगती है। तो कोई भी चीज़ है, हमारी जितनी भी परेशानियाँ कठिनाइयाँ मुश्किलें होती है, उनका वजन नहीं होता, वो वजन जब हो जाता है जब हम उनको लंबे समय तक अपने ऊपर लेके बैठते हैं। तो ये छोटी सी कहानी है जिससे कि मतलब मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और इस कहानी से यदि कोई एक व्यक्ति भी इस चीज़ को समझता है और अपनी समस्याओं को मतलब उस समस्याओं में नहीं उलझता, तो मुझे इस वीडियो का बनाने का ऑब्जेक्टिव अचीव होता नजर आएगा। दोस्तों थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।